अस्त्र मूवी आपने देखी, आपको कितनी पसंद आई है? बिल्कुल पसंद है। हमें तो नहीं पसंद आई, हम बहुत वेट कर रहे थे, मैं खासकर बहुत वेट कर रहा था फिल्म का, लेकिन फिल्म नहीं पसंद आ पाई। रणबीर और आलिया जिस तरीके से प्रोमो आया था तो सभी एक्साइटेड लग रहे थे। अरे मैं भी बहुत एक्साइटेड था, वही था, एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट में ही आ गए, लेकिन एक्साइटमेंट में पिक्चर बना दिया मुझे लगता है, दिमाग कम। उनका केमिस्ट्री तो है, वो तो रहेगा, वो है स्क्रीन पे अच्छा है, लेकिन वही है उसमें लोग हाँ लोग इन्जॉय करेंगे थोड़ा वो, लेकिन सिर्फ कहानी वगैरह बहुत वीक रहा फिल्म का, यही दिक्कत। म्यूजिक की अगर बात की जाए और डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो कितना? म्यूजिक ठीक है, फिल्म को सपोर्ट करता है, जो भी जैसी भी वीक कहानी है, गाना वाना एक दो अच्छा है, टाइटल सॉन्ग केसरिया तो हिट है ही ऑब्वियसली। डायरेक्शन की तो बात नहीं करें तो ही अच्छा है, एक्शन का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है, आयान मुखर्जी ही ने गलती की है, उन्होंने डायरेक्ट किया तो। और मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये लोग तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, भाई इतनी अच्छी अच्छी फिल्म, अमिताभ बच्चन भाई समझ तो है ना फिल्म का, तो कैसे मतलब लोग सजेशन नहीं देते हैं, क्या बात नहीं होता है? अबाउट वही है क्या, मनी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यार, पैसा से अमिताभ बच्चन को पैसा क्यों नहीं करेगा, देखा ना करण जौहर का प्रोडक्शन बना रहा है तो देखा ही ना। हाँ हाँ, बट पैसा आई मीन पैसा इम्पोर्टेंट थोड़ी है बच्चन के लिए भाई, पैसा तो बहुत है उसके पास, पर बच्चन का समझ में नहीं आता है क्या बच्चन को भी? हाँ वो तो बात सही है, लेकिन बच्चन का जो पार्ट है हाँ उसमें तो जिस तरह का वो प्ले कर रहा है हो सकता है उसको वो अच्छा लग गया होगा, बच्चन खराब फिल्म तो किया ही है ना, तो ही दे पाएंगे अच्छा नहीं लगा। बट आई होप कि लाइक पीपल कम टू सिनेमाज, बिकॉज हो सकता है बहुत लोग अच्छी भी लगे तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको ना भी लगे दे प्लीज कम टू सिनेमाज टू वॉच गुड फिल्म्स, बिकॉज देर आर गुड फिल्म्स मेड। थैंक यू, दिस इज ऑल्सो वन टाइम वॉच डेफिनेटली।